नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टूडेंट्स लाइव के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आपने अभी तक स्टूडेंट्स लाइव के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अपने दोस्तों को पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हम सब भूगोल से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। भूगोल से संबंधित प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, दुनिया का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादक देश कौन सा है? उत्तर है थाईलैंड। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश विश्व में जूट पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर है बांग्लादेश। आपका अगला प्रश्न है, ब्राज़ील में विस्तीर्ण कॉफ़ी बागान को खाली स्थान कहा जाता है? उत्तर है फेजेंडास। आपका अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु किसकी खेती के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है? उत्तर है फल। आपका अगला प्रश्न है, जीविका कृषि क्या है? उत्तर है परंपरागत तरीके से कृषि करते हुए किसान और उसके परिवार का पोषण। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा कृत्रिम खाद्यान्न है जो प्रकृति में नहीं मिलता? उत्तर है ट्रिटिकल। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की मुख्य खाद्य फसल क्या है? उत्तर है चावल। आपका अगला प्रश्न है, सनबेल्ट अमेरिका में किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है कपास। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? उत्तर है चीन। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर है मैक्सिको। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया का कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर है चीन। आपका अगला प्रश्न है, एक अनुमान के अनुसार विश्व के संपूर्ण लौह अयस्क के भंडारों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? उत्तर है 20%। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है हीरे की खान। आपका अगला प्रश्न है, कच्चे तेल के सबसे बड़े भंडार है? उत्तर है सऊदी अरब। आपका अगला है, टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है? उत्तर है शिकार करना। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी है? उत्तर है कनाडा। आपका अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? उत्तर है कनाडा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की दो तिहाई से अधिक टीन किस देश से आती है? उत्तर है मलेशिया। आपका अगला प्रश्न है, भूगोल में शब्द प्रेयरी का अर्थ है? उत्तर है उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान। आपका अगला प्रश्न है, कोयला किस संसाधन की किस्म है? उत्तर है गैर नवीकरणीय। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर है चीन। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर है USA। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? उत्तर है
जाम्बिया। आपका अगला प्रश्न, कौन सा एक प्रकार कोरल या शंख जैसे जीवों के अवशेष से बनते हैं? उत्तर है चूना पत्थर। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया में उच्च श्रेणी के लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? उत्तर है ब्राजील। आपका अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है घड़ियों के लिए। आपका अगला प्रश्न है, चीनी का कटोरा कहलाता है? उत्तर है क्यूवा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत के बाद हीरा का पॉलिश करने वाला सबसे बड़ा देश है? उत्तर है बेल्जियम। आपका अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? उत्तर है चीन। आपका अगला प्रश्न, अमेरिका में डेट्रायट नगर किसके लिए विख्यात है? उत्तर है मोटर गाड़ी। आपका अगला प्रश्न, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? उत्तर है फेरी कवीन। आपका अगला प्रश्न है, पिंपरी किस से संबंधित है? उत्तर है पेनिसिलिन उद्योग से। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर है डेट्रायट। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व में भारत झूमिंग, मलेशिया में लदांग और जायरे की तराई में मसोले, ये स्थानीय शब्द क्या बताते हैं? उत्तर है स्थानांतरित कृषि। आपका अगला प्रश्न है, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? उत्तर है ब्राजील। आपका अगला प्रश्न है, धरती से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को कहते हैं? उत्तर है भू ऊष्मीय ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है, पोहनग स्टील कंपनी POSCO मूलतः कहाँ की कंपनी है? उत्तर है दक्षिण कोरिया। आपका अगला प्रश्न, कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण अनुकूल है और इससे प्रदूषण नहीं बढ़ती है? उत्तर है पवन। आपका अगला प्रश्न है, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? उत्तर है न्यबली। आपका अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है? उत्तर है भूमध्य सागर को लाल सागर से। आपका अगला प्रश्न है, यूरोपोर्ट के नाम से कौन जाना जाता है? उत्तर है एम्स्टर्डम। आपका अगला प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक लंबी रेल लाइन कौन है? उत्तर है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आपका अगला प्रश्न, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है? उत्तर है पर्थ और सिडनी। आपका अगला प्रश्न, काराकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ता है? उत्तर है पाकिस्तान और चीन को। आपका अगला प्रश्न है, पनामा नहर किसको जोड़ती है? उत्तर है अटलांटिक और प्रशांत महासागर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश कौन सा है? उत्तर है USA। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी? उत्तर है
पूर्व इंग्लैंड में। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम ट्रेन कब प्रारंभ हुई? उत्तर है 1825 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? उत्तर है यूएसए। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? उत्तर है ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है? उत्तर है पर्थ और सिडनी। आपका अगला प्रश्न है, जुलाई 2006 में किस देश में सबसे ऊंची रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया? उत्तर है चीन। आपका अगला प्रश्न है, किसे दुनिया के कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है? उत्तर है सेंट जॉर्ज। आपका अगला प्रश्न है, स्वेज नहर की लंबाई करीब कितनी है? उत्तर है 168 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, अस्थिर और चालू लागतों के आधार पर परिवहन का कौन सा जरिया सबसे अधिक सस्ता है? उत्तर है जलमार्ग। आपका अगला प्रश्न, कौन से दो देश तापी गैस पाइपलाइन परियोजना से जुड़े हैं? उत्तर है पाकिस्तान व अफगानिस्तान। आपका अगला प्रश्न है, किस देश के निर्यात में सर्वाधिक हिस्सा है? उत्तर है चीन। आपका अगला प्रश्न, बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण पतन है? उत्तर है चटगांव। आपका अगला प्रश्न, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? उत्तर है काठमांडू। अगला प्रश्न, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? उत्तर है रियो डी जेनेरो। आपका अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल खाली स्थान की सुरक्षा से संबंधित है? उत्तर है ओजोन परत। आपका अगला प्रश्न है, वायु तथा जल द्वारा ऊपर की मिट्टी को हटाया जाना क्या कहलाता है? उत्तर है मृदा अपरदन। आपका अगला प्रश्न, मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है? उत्तर है ऑर्गेनिक पदार्थ छाय करके। आपका अगला प्रश्न है, संरक्षण की परिभाषा है? उत्तर है जहां तक हो सके प्राकृतिक संपत्ति को बहुत कम हानि तथा पर्यावरण निम्नीकरण के साथ उपयोग करना। आपका अगला प्रश्न, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? उत्तर है वायु। अगला प्रश्न, किस गैस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल वैश्विक उष्मायन के लिए उत्तरदायी है? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है? उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न, नदी द्वारा भू संरक्षण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? उत्तर है उसकी बहाव गति। अगला प्रश्न, चितियों की ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है? उत्तर है सीढ़ीनुमा कृषि। आपका अगला प्रश्न है, करीब 12,000 वर्ष पूर्व जलवायु संबंधी प्रमुख बदलाव आए जिसके कारण वर्तमान वातावरण की? उत्तर है
जलवायु अपेक्षाकृत अधिक उष्ण हुई। आपका अगला प्रश्न है, सन 2004 में भारतीय तट पर टकराने वाली सुनामी का क्या कारण था? उत्तर है सुमात्रा में एक भूकंप। आपका अगला प्रश्न है, किससे किसी स्थान की जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ती है? उत्तर है किसी स्थान में विद्यमान पौधे और पशु जीवन। आपका अगला प्रश्न है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है? उत्तर है जैव विविधता से। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 5 जून को। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना है, फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी से में मुलाकात होगी। यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो में और क्या जोड़ना चाहें दोस्तों, यदि आपका किसी प्रकार का सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी तक यदि आपने स्टूडेंट्स लैब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ वो आपका जो वीडियो का अपलोड करूँगा वो आपको पास नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुक्रिया।